नमस्कार। आज हम बात करेंगे डिसमेनोरिया, महिलाओं में होने वाली एक ऐसी समस्या जिससे आजकल लगभग लगभग हर महिला बहुत परेशान है। डिसमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन के समय जो पेन फील होना चालू हो जाता है, उस पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को बोला जाता है डिसमेनोरिया। डिस मतलब डिफिकल्टी, मेनोरिया मतलब मेंसेस। तो मेंसेस के ड्यूरेशन में डिफिकल्टी या फिर इतना डिस्टरबेंस कि लाइफ पूरी की पूरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में महसूस होना चालू हो जाती है। इस डिसमेनोरिया का कारण क्या होता है, इसके प्रकार क्या क्या हैं, लक्षण क्या क्या देता है ये, और इसका मैनेजमेंट क्या है, ये पूरी जानकारी आज देखते हैं कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले डिसमेनोरिया के कारण क्या होते हैं। डिसमेनोरिया का बेसिक कारण जो है वो होता है कि आपके शरीर में पैल्विक रीजन में, पेरिनियल रीजन में ब्लड का फ्लो गड़बड़ होना चालू हुआ, या फिर आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा अनियमितता रही, आपकी फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब रही, आपने व्यायाम लंबे समय से अगर नहीं किया है, तो फिर जो मेंसेस आएगा उस मेंसेस के ड्यूरेशन में बहुत दर्द होना चालू हो जाएगा, और उसी दर्द की कंडीशन को बोला जाएगा डिसमेनोरिया। अब हम देखते हैं कि इस डिसमेनोरिया के कारण क्या क्या हुए, इसके बाद इसका प्रकार क्या क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो मूल रूप से डिसमेनोरिया तीन प्रकार का होता है। पहला कंजेस्टिव डिसमेनोरिया, दूसरा स्पाज्मोडिक डिसमेनोरिया, और तीसरा मेम्ब्रेनस डिसमेनोरिया। पहला होता है कंजेस्टिव डिसमेनोरिया। कंजेस्टिव डिसमेनोरिया का मतलब है यहां पेल्विक रीजन में कंजेशन होना चालू होगा, और उस कंजेशन की वजह से जो खून की नलियां हैं पेल्विक रीजन की, उनमें ऐसा दर्द होगा जैसे अभी खून की नली फट जाएगी, फटने के जैसा दर्द होना चालू हो जाएगा, इसको बोला जाएगा कंजेस्टिव डिसमेनोरिया। कंजेस्टिव डिसमेनोरिया कब होगा, ये आपका जब साइकिल शुरू होने वाला होगा उसके दो दिन, तीन दिन, चार दिन, और कभी कभी ये पांच से सात दिन पहले ही फील होना चालू हो जाता है कुछ लड़कियों को, कुछ महिलाओं को। इसमें जैसे ही आपके साइकिल्स आने वाले होते हैं, साइकिल से आने के पांच से सात दिन पहले पेल्विक कैविटी में ब्लड का भराव होना चालू हो जाता है, क्योंकि यूटरस में खून के संचार में कमी रही है कहीं ना कहीं, तो ब्रेन पहले से आसपास खून भरना चालू कर देता है ताकि जब ब्लीडिंग चालू हो, मेंसेस चालू हो, तो फिर पूरा का पूरा जो ओवम को एक्सपेल करने के लिए जितना फोर्स चाहिए होता है ब्लड का, वो फोर्स आपके यूटराइन कैविटी में जनरेट होना चालू हो जाए। इसलिए पांच से सात दिन पहले से ही वहां पर तैयारियां खून के जमा होने की चालू हो जाती हैं, और जैसे जैसे खून वहां जमा होना चालू होता है तो खून की नलियों में ही खून जमा होना चालू होता है, और खून की नलियां फटने के जैसी होती हैं। ऐसे केस में जिनको सीवियर कंजेस्टिव डिसमेनोरिया होता है, उनको पीरियड्स जिस दिन आने वाले होते हैं उस दिन ऐसा लगता है जैसे अभी पेट फट जाएगा, लोअर एब्डोमेन में बहुत भयंकर ऐसा दर्द होना चालू होता है कि अभी कुछ अंदर से फट रहा है, और फिर जब साइकिल चालू होते हैं तो विद इन 6 to 12 hours वो जो डिसमेनोरिया का पेन था वो धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाता है। जैसे ही पहला दिन पूरा निकलता है, दूसरे दिन से जो ब्लीडिंग होती है वो ईज में होना चालू हो जाती है। दूसरा जो डिसमेनोरिया होता है वो होता है स्पाज्मोडिक डिसमेनोरिया।
स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया का मतलब होता है ये डिस्मेनोरिया जो है ये जब आपका साइकिल आ जाएगा उसके बाद आपको दर्द होना चालू होगा। साइकिल आया, अब साइकिल शुरू हुआ, स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग नहीं हो पा रही है। तो ब्लीडिंग नहीं हो रही है तब फिर यूटराइन कैविटी पूरी की पूरी, यूटरस की सारी मसल्स एकदम जोर से स्क्वीज होंगी और उनकी स्क्वीजिंग जो है वो स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रेक्शंस पैदा होंगे और उन स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से स्पाज्मोडिक मसल्स का पेन होना चालू होगा जिसको बोला जाएगा स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया। और इस डिस्मेनोरिया में बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारी महिलाएं एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स ले लेती हैं। तो अब स्पाज्म हो रहा था कि ब्लीडिंग बढ़ जाए ताकि शरीर जो यूटराइन कैविटी में जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो निकल के बाहर आए और उसकी वजह से स्पाज्म हो रहा था, लेकिन हमने एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग ले लिया मतलब स्पाज्म के होने को रोक दिया। तो आज तो दर्द महसूस नहीं होगा लेकिन कल के लिए समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए ऐसी कंडीशंस जो होती हैं इनका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ना कि दर्द की दवाइयां ले लेकर के आपको दर्द को खत्म करना है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया इतना स्पाज्म करा रहा है कि मेफ्टाल स्पास या फिर मेफ्टाल फोर्ट जैसी गोलियां भी काम नहीं कर रही होती हैं, तो स्पाज्मोप्रोक्सीमोन या फिर और भी डाइक्लोफेनेक के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं तब जाके कहीं दर्द में कमी महसूस होना चालू होती है। इसको बोला जाता है स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया। अब तीसरी बारी आती है मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया की, जिसमें बेसिकली जो यूटराइन कैविटी की एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो पूरी की पूरी लाइनिंग जो है वो साइड ऑफ होना चालू हो जाती है। बहुत सारी गर्ल्स या फिर महिलाएं जो लगभग 40 साल से कम उम्र की हैं वो ये कंप्लेन करती हैं कि थिक क्लॉट जैसे निकल रहे हैं ब्लीडिंग के साथ। तो वो थिक क्लॉट जैसे निकल रहे जो होते हैं, मेम्ब्रेन्स जैसा कुछ निकल के आ रहा होता है, वो एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम जो होती है उसकी लाइनिंग निकल निकल के पूरी की पूरी बाहर आ रही होती है। इसका मतलब एक तरीके से डीएनसी जैसे होती है ना, डीएनसी में डायलिटेशन करके क्यूरेटास डाल करके पूरा का पूरा जो मैटर है उसको खरोंच के बाहर निकाला जाता है, ठीक वैसी ही कंडीशन होती है मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया में कि मेम्ब्रेन सेड ऑफ होकर के बाहर आना चालू हो जाती है। इसको बोला जाता है मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। मतलब स्पाज्म के साथ में इतना स्पाज्म होता है कि पूरी की पूरी मेम्ब्रेन निकल करके बाहर आना चालू हो जाए, इसको बोला जाएगा स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया। तो ये होते हैं टाइप्स, इनको आपको पहचानना है कि इनमें से अगर आपको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है तो कौन सा वाला है और इस पेनफुल मेंस्ट्रुएशन का रीजन क्या रहा है। आपकी रेगुलर लाइफस्टाइल, आपकी इम्प्रॉपर फूडिंग हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, आपका देर तक सोते रहना, आपका देर तक रात को जागते रहना, आपका लगातार लॉन्ग सिटिंग वर्क्स जो है वो, या फिर आपके ओवेरियन फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो, या फिर ड्रग इंड्यूस्ड भी होता है कभी कभी, और या फिर फैमिलियल हिस्ट्री अगर किसी की ऐसी है तो भी होता है, ये कारण होते हैं इसके। अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट कि डिस्मेनोरिया अगर है तो मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो जो बेसिक रीजंस हैं, इरेगुलर लाइफस्टाइल को रेगुलर लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करिए। आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए इसके लिए प्लेलिस्ट होगी, जीवन शैली आपकी कैसी होनी चाहिए उसके लिए ही पूरी प्लेलिस्ट है प्राकृतिक जीवन शैली के नाम से। आप उसमें जाएंगे तो आपको वीडियोस मिलेंगे उसमें कि हाउ यू शुड लीड योर लाइफ नेचुरली, कि किस तरीके से आपको नेचुरल नियमों का, प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन का यापन करना है। तो वो दूसरा, फूड हैबिट्स आपकी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। आपको सात्विक भोजन करना है, सही समय पर भोजन करना है, सही तरीके से चबा करके खाना खाना है। इसके साथ में अगर आप बहुत अच्छे तरीके से व्यायाम करते हैं तो आपको व्यायाम में पैल्विक रीजन पर ब्लड फ्लो अच्छा बना रहे इसके लिए कुछ आसन करने हैं,
स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम बहुत अच्छे होते हैं, उन प्राणायामों का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपका जो लैक ऑफ एक्सरसाइजेस की फेज थी वो खत्म होना चालू हो जाएगी। फिर आपको रात को देर तक जागने की जो आदत है उसको कैसे भी करके सम करना है, और सवेरे रात देर तक बिल्कुल 11-11 बजे तक सोने की जो आदत है उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। तो ये तो हो जाएगी कि नेचुरल कॉजेस क्या थे, उन नेचुरल कॉजेस को आप खत्म करो तो आपका डिस्मेनोरिया धीरे धीरे करके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में स्वतः ही बिल्कुल ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके बाद अब बारी आती है कि डिस्मेनोरिया का मैनेजमेंट आपको क्या करना है। ये तो आपको करना ही है, इसके साथ में आपको क्या करना है। तो एम ऑफ ट्रीटमेंट यहां डिस्मेनोरिया के केस में हम क्या रखेंगे, टू फैसिलिटेट ब्लड सप्लाई ओवर पैल्विक रीजन, अच्छे तरीके से ब्लड सप्लाई पहुंचे पैल्विक रीजन में, इसके लिए आपको कुछ व्यवस्थाएं करनी है। दूसरे नंबर पर एलिमिनेशन जो है वो आपका मोटिव होना चाहिए कि शरीर में से टॉक्सिन्स निकाल दिए जाएं। तीसरे नंबर पर आपको अपने पूरे शरीर को एक्टिव मोड पर शिफ्ट करना है। एक्टिव मोड पर शिफ्ट करना है मतलब लिथार्जिसिटी आपकी जो है उसको आपको दूर करना है। स्वास्थ्य का एक लक्षण होता है अनालस्यम शरीरस्य, मतलब शरीर में आलस्य नहीं होना चाहिए। आलस्य नहीं हो ऐसी अवस्था आपको दोबारा से गेन करनी है, यह आपका मोटिव होना चाहिए, यह आपका ट्रीटमेंट का जो एम है वो आपको रखना है। अब इस एम को अचीव करने के लिए आप प्राकृतिक चिकित्सा में कौन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है पेट पर सेक, पेट पर मिट्टी की पट्टी और एनिमा। ये जो है ये आपके लिए एलिमिनेटिव प्लान माना जाएगा। इसके साथ में जब एनिमा हो जाए, आते खाली हो जाए, उसके बाद पेड़ों पर नाभि के नीचे वाले हिस्से पर आप गर्म पानी की थैली से गर्म सेक और ठंडे पानी के गीले कपड़े से ठंडा सेक। ये गर्म 2 मिनट के लिए, ठंडा 1 मिनट के लिए, इंटू 5 बार रिपीट करके गर्म ठंडा सेक जो है वो यूटराइन कैविटी पर कर रहे हैं बेसिकली। तो यूटराइन कैविटी पर जब आप ये गर्म ठंडा सेक कर रहे हो तो फिर आपको इस गर्म ठंडे सेक को अच्छे तरीके से नाभि के नीचे वाले हिस्से पर करना है ताकि पूरे के पूरे पेल्विक रीजन पर अच्छे तरीके से ब्लड का फ्लो आना चालू हो, ओवेरियन फंक्शंस नॉर्मल होना चालू हो जाए, यूटराइन कैविटी पर ब्लड अच्छे तरीके से पहुंचना चालू हो जाए ताकि आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो सही तरीके से बनना चालू हो जाए, और जब आवश्यकता हो तो वहां पर अच्छे तरीके से ब्लड पहुंचे और ब्लड के साथ में, ब्लड फ्लो के साथ में जो डेड ओवम होता है जिसको फनरल ऑफ एग बोला जाता है, फनरल प्रोसेसन ऑफ एग बोला जाता है, मतलब आपके एग के मर जाने के बाद उसकी सब यात्रा जो होती है वो ब्लड के फ्लो के साथ एकदम से निकलना चालू हो जाए, वो इसके लिए ब्लीडिंग अच्छे तरीके से हो, उसके लिए भी आपके पेल्विक कैविटी में ब्लड का फ्लो अच्छा होना चाहिए, इसके लिए आपको ये पेट का गर्म ठंडा सेक करना है। इसके बाद आप गर्म ठंडा कटी स्नान कर सकते हैं, गरम पाद स्नान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे प्रोसेस हैं जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स के हिसाब से आप उपयोग में ले सकते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप सूर्य स्नान कर सकते हैं किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के, आप भाप स्नान कर सकते हैं चिकित्सालय में जाकर के, सोना बाद कर सकते हैं चिकित्सालय में जाकर के। ये बहुत इफेक्टिव और बहुत ही सिंपल से ट्रीटमेंट्स हैं। बाकी आप सेक, मिट्टी पट्टी, एनिमा और पेट का गर्म ठंडा सेक है ये घर में ही कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप लगातार इस प्रोसेस का उपयोग आप 3 महीने तक अगर कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी ये डिस्मेनोरिया की समस्या जो है ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चालू हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रीटमेंट आपके पेल्विक ब्लड फ्लो को बढ़ा रहे हैं, साथ में ओवेरियन फंक्शंस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम जाते हैं आहार चिकित्सा पर। आहार चिकित्सा में मूल रूप से सबसे बढ़िया जो चिकित्सा रहेगी आहार के रूप में इस समस्या की, वो चिकित्सा है आप सात्विक आहार लेना चालू कर दीजिए। जितना सात्विक आहार आप लेना चालू करेंगे आप मानेंगे कि धीरे धीरे करके आपके शरीर में सात्विकता बढ़ना चालू होगी। सात्विकता जैसे जैसे बढ़ना चालू होगी आपका शरीर धीरे धीरे करके रोग मुक्त होना चालू होगा, और रोग मुक्त होना चालू होगा तो डिस्मेनोरिया का रोग जो है यह भी धीरे धीरे करके खत्म होना चालू हो जाएगा।
बहुत ज्यादा मसालों का जो लोग उपयोग करते हैं, जो महिलाएं उपयोग करती हैं, उनको डिस्मेनोरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए मसालों का उपयोग धीरे धीरे करके कम करना चालू कर दिया जाए, बहुत अच्छा रहेगा। खाने में आप अगर रोटी खा रहे हैं तो बहुत मोटे आटे की, ज्वार की, जौ की या फिर मक्के की रोटी खा लीजिए। जिनको डिस्मेनोरिया की समस्या है, स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होते हैं, उनको मक्के का उपयोग ज्यादा कर सकते हैं। वो मक्के में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रिलैक्सेशन के लिए बहुत उपयोगी है। रिलैक्सेशन रहेगा तो जो वेसल की मसल्स जो है वो डायलेटेड फॉर्म में रहेंगी, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, उसकी वजह से स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस आने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो आप मक्के का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ में मोरिंगा जो है, सहजने के काढ़े का उपयोग कर सकते हैं, सहजने की फलियों का सूप बना करके पी सकते हैं, या सहजने की फलियों की सब्जी बना करके भी खाई जा सकती है, बहुत उपयोगी रहेगी। साथ में एक सतावर आता है, सतावर को दूध के पंसारी पे मिल जाएगा, सतावर का पाउडर, तो दूध के साथ आधा चम्मच रात को सोने से पहले सतावर का उपयोग करने से भी ये डिस्मेनोरिया की कंडीशन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस होना चालू होती है। कहा जाता है अश्वगंधा पुरुषों का मित्र और सतावर महिलाओं की सहेली, तो सतावर का उपयोग आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर आपको डिस्मेनोरिया की समस्या है तो आप सतावर का उपयोग कर सकते हैं। अब बारी आती है योग चिकित्सा की, तो योग चिकित्सा में मूल रूप से जब आपके ये डिस्मेनोरिया की समस्या है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन तो आपको योग करना ही नहीं है, मेंसेस एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद दोबारा जब पीरियड्स आपके आए उस समय आपको बहुत दर्द नहीं हो, इसके लिए आप नॉन पीरियड की फेज में बहुत अच्छे तरीके से आसनों का अभ्यास कर सकते हैं और प्राणायाम कर सकते हैं। तो आसनों में कौन से आसन हैं जो बहुत उपयोगी हैं? एक पाद पवन मुक्त आसन है, अर्ध मत्स्येन्द्र आसन है, गौमुखासन है, तिर्यक भुजंगासन है, जानु सिरासन है, परिवृत जानु सिरासन है। इसके साथ में अगर आप खड़े रह के करते हैं तो त्रिकोणासन भी आ जाएगा। त्रिकोणासन के साथ में इसमें अर्धकटी चक्रासन भी आएगा, ये भी बहुत अच्छा आसन होता है। तो ये कुछ आसन हैं जिन आसनों के अभ्यास से आप अपनी इस समस्या को धीरे धीरे करके दूर कर सकते हैं। और प्राणायाम में बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन वाला लगभग 10 मिनट कर लें, और डीप ब्रीदिंग जो है, लंबी गहरी श्वास भरना और भरी गई श्वास को धीरे धीरे छोड़ना, इसको आप 100 बार करें। इसको भस्त्रिका के रूप में नहीं, आप दीर्घ श्वसन के रूप में करेंगे। लंबी सांस फेफड़ों में पूरी सांस को भर लिया और भरी गई श्वास को धीरे धीरे छोड़ा, तो नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम और भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग के रूप में किस तरीके से किया जाना है, ये दोनों वीडियोस हैं, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और जिन आसनों के नाम आपको बताए हैं वो सारे के सारे आसन आसन की प्लेलिस्ट है, उसमें हर आसन के नाम से आसन की पूरी सही विधि करने की और उसका लाभ किस तरीके से होता है वो बताया गया है। तो आप आसन और प्राणायाम का स्पेसिफिक वीडियो देख करके उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आहार चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा। इसके अलावा अगर आप होम रेमेडीज की तरफ जाना चाहते हैं, तो जब आपको जैसे पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है अभी इस अवस्था में, तो आप अजवाइन का काढ़ा ले सकते हैं। साथ में अगर कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया है तो गाजर के बीज का काढ़ा जो होता है वो दिया जाता है। ये हीटिंग नेचर का होता है, बहुत भयंकर गर्मी पैदा करेगा, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अजवाइन और मेथी का काढ़ा ले रहे हैं या फिर गाजर के बीज का अगर काढ़ा ले रहे हैं तो पानी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, नहीं तो ये फिर जो है, ये ओरल रूट से आपने काढ़ा लिया है तो कहीं ये गैस्ट्राइटिस ना करा दे, गैस्ट्रिक इरोजन ना करा दे, क्योंकि ये हीटिंग नेचर का ज्यादा है। तो आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना पड़ेगा ताकि ये अपना काम करे कि डिस्मेनोरिया को खत्म करेगा, साथ में पानी आप ज्यादा पीते रहो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए आप ज्यादा पानी के साथ अजवाइन और मेथी का काढ़ा या फिर गाजर के बीज के काढ़े का उपयोग कर सकते हैं। ये होगा डिस्मेनोरिया से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी बात और समझ में नहीं आई है या आपकी और कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी परेशानी को बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर करें, ताकि आजकल ये जो समस्या बढ़ती चली जा रही है लगातार, इसका ट्रीटमेंट हम प्राकृतिक तरीके से करेंगे तो ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी समस्या
और अगर आज भी हम इस बात को नहीं समझेंगे तो ये समस्या हमारे अपनों को गिरफ्त में तो पकड़ती ही जा रही है, ये बहुत नुकसान करेगी। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।